नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या हुई 1341। आज 38 लोगों की सैंपल रिपोर्ट मिली पॉजिटिव। 75 कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए डिस्चार्ज। देहरादून के 50 वार्डों में आज भी चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें रही बंद। पौड़ी जिले के विभिन्न शहरों और कस्बों को भी किया गया सैनिटाइज। टिहरी जिले की कन्याड़ी ग्राम पंचायत की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान तैयार की नर्सरी। सालों से बंजर पड़ी जमीन को किया हरा भरा। नर्सरी में तैयार किए 5000 पौधे। और लॉकडाउन ने पर्यावरण को किया रिचार्ज। मानवीय गतिविधियों पर रोक लगने से प्रकृति पर पड़ा सकारात्मक असर। गंगा और यमुना समेत कई नदियां हुई निर्मल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज 38 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1341 हो गई है। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 75 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 498 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 824 एक्टिव केस हैं। आज जिन लोगों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें हरिद्वार के 14, देहरादून के 10, बागेश्वर के 6, टिहरी के 3, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 2-2 और चंपावत का 1 व्यक्ति शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में रिकवरी रेट 37.14% है। वहीं दून अस्पताल में 2 मरीजों की मृत्यु हुई है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार इनमें से 48 साल के संक्रमित मरीज की मृत्यु कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण हुई, जबकि दूसरे 80 वर्षीय मरीज की मृत्यु का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। कोटद्वार के बेस चिकित्सालय में भर्ती 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 7 लोगों को आज डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान वन एवं आयुष मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा की। उन्हें सरकारी एम्बुलेंस से होम आइसोलेशन के निर्देशों के साथ घर भेजा गया। 10 पॉजिटिव मरीज थे, उसमें से 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया। इस वक्त वर्तमान में हमारे यहाँ कुल 23 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 13 लोगों के रिपोर्ट आने का अभी इंतजार किया जा रहा है। और ये जो पॉजिटिव केस थे 10, इसमें नई डिस्चार्ज पॉलिसी के हिसाब से आज हम इनको 10 दिन पूरा होने पे होम आइसोलेशन की स्ट्रिक्ट एडवाइस पे इनको घर के लिए छोड़ रहे हैं। और इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग किया। हमने इनसे कहा कि कमरे के अंदर कंटेन रहिए, तो इन्होंने कमरे में रहे और थोड़ी बहुत अगर कमियां भी रही तो उनको हमें सुधार के लिए इन्होंने मौका दिया। वन एवं आयुष मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि मरीजों पर फूलों की वर्षा कर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि वे भी कोरोना योद्धा हैं। 7 लोगों को जो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, उनको सकुशल आज हमने उनके घरों के लिए उनको भेजने की व्यवस्था की है। फूलों की वर्षा के साथ एक संदेश देने की कोशिश की है कि एक तरह से ये योद्धा हैं, जिन्होंने चिकित्सकों की देखरेख में अपनी संकल्प शक्ति के बलबूते पर कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त की है। और ऐसे योद्धाओं का अभिनंदन और फूलों की वर्षा के साथ हमने किया है। 100 किट जितनी आवश्यकता इस बेस चिकित्सालय के लिए थी, उतने यहाँ सौंपे हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने और लॉकडाउन में जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, आशा वर्कर के साथ ही राजस्व कर्मी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले को ग्रीन जोन में बनाए रखने के लिए दिन रात काम कर रहे इन कर्मचारियों का बड़ा योगदान है। प्रशिक्षु IAS विशाल मिश्रा ने बताया कि महामारी के इस दौर में लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जिला स्तर पर 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि क्विक रिस्पांस टीम के सदस्यों के जरिए कंट्रोल रूम में आने वाली सभी समस्याओं पर कार्रवाई की गई है। राशन वितरण की कार्रवाई से पूर्व हमने लाभार्थियों का चयन एवं चिन्हीकरण किया। यह कार्य पटवारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की एक संयुक्त टीम द्वारा किया गया। इसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है,
या ऐसे लोग जिनके पास विभिन्न तरीके का राशन कार्ड है, पीले कलर का है, सफेद है, गुलाबी है। तो इस प्रकार से हमने एक डिमांड प्रस्ताव ऊपर भेजा जहां से हमको करीब करीब 4,000 राशन के पैकेट हमारी रुद्रपुर तहसील के लिए मिले और हमने एक टीम बना करके डोर टू डोर तरीके से होम डिलीवरी करते हुए ये राशन वितरण किया। परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिनको राशन की आवश्यकता थी, तो बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं एनजीओ ने हमें राशन के पैकेट डोनेट किए और हमने उनका भी वितरण किया। जिले में अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासियों पर होम क्वारंटीन के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बासिका मंडल ने बताया कि वो अपने क्षेत्र में जाकर ये पता लगाती हैं कि कोई बाहर से आया है या नहीं और इसकी सूचना प्रशासन को दी जाती है। जहाँ से आए हो वहाँ से जांच हुई है या नहीं हुई है, फिर उसके बाद आते हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जांच हुई है, अगर बोलते हाँ हुई है तो भी हम इनका रिपोर्ट जो है ऊपर विभाग को देते हैं, अगर नहीं हुई है तो भी हम रिपोर्ट विभाग को देते हैं। उसके बाद हम इनको अगर ये घर में पहुंच जाते हैं तो घर में ही इनको क्वारंटाइन किया जाता है। आस पड़ोस के लोगों को भी हम बता देते हैं कि आप लोग इनसे इनके संपर्क में ना आए। कोरोना महामारी के इस दौर में परेशान लोगों तक प्रशासन द्वारा राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मीनाक्षी हालदार का कहना है कि प्रशासन ने उनकी परिवार की काफी मदद की है। अभी कोरोना वायरस का महामारी बीमारी चल रही है, इसकी वजह से बाहर आ जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए सरकार ने हमें राशन भेजा है जिससे हम गरीबों को बहुत फायदा हो रहा है। देहरादून में आज भी सैनिटाइजेशन किया गया। नगर निगम ने आज 50 वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का छिड़काव किया। इसके लिए 3,20,000 लीटर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले कल भी 50 वार्डों में सैनिटाइजेशन किया गया था। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। नगर निगम 22 मार्च से सैनिटाइजेशन अभियान में जुटा हुआ है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। राजधानी देहरादून की तर्ज पर पौड़ी जिले में भी बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। जिला मुख्यालय के साथ ही कोटद्वार, दुगड्डा और सतपुली समेत अन्य शहरों में रेखीय विभाग और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य किया। पहाड़ की महिलाएं यहां की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती हैं। महिलाओं पर घर गृहस्थी से लेकर खेती बाड़ी तक की जिम्मेदारी है। पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं। टिहरी जिले के देवप्रयाग विकास खंड के ग्राम पंचायत कन्याड़ी की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान सालों से बंजर पड़ी जमीन को अपनी मेहनत से दोबारा हरा भरा कर दिया है। गांव में महिला स्वयं सहायता समूह के 6 ग्रुप बनाकर नर्सरी तैयार की गई है। इस नर्सरी में 5,000 पौधे तैयार किए गए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मैं अपना खेत देता हूँ। वहाँ हमने 1 क्विंटल अदरक लगाया और जिसे हमने घेर बार भी की यहाँ, और सभी समूह के माध्यम से हम यहाँ गोबर लेके आए, गोबर इकट्ठा करके हमने उसकी खाद बनाई, फिर हमने 1 क्विंटल हल्दी लगा के उसे भिगो के उसे हल्दी लगाई। नर्सरी से हमने पहले पौधे उगाई माल्टा की और अनार की। देवप्रयाग की खंड विकास अधिकारी सोनम गुप्ता ने बताया कि नर्सरी तैयार करने में मनरेगा के तहत लगभग 7 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें टैंक निर्माण, कंपोस्ट पिट और पॉली हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नर्सरी तैयार करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं को इससे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए और एक रोजगार का अच्छा साधन उनको उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि हमारा आंवला है, टिमरू है, कचनार है, अभी तो हम इसकी पौध तैयार करवा के महिलाओं के थ्रू बिकवाएंगे, लेकिन हम इसका वर्तमान में मतलब भविष्य में ये भी करेंगे कि जैसे हमारे आंवले बड़े हो जाते हैं, इनका अचार बनाएं, इनका जूस बनाएं, या हमारे विकासखंड में अन्य स्वयं सहायता समूह भी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो अचार का काम करते हैं, जो जूस का काम करते हैं, तो उनकी सप्लाई भी हम इनसे करवाएंगे। ग्राम पंचायत की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान भी कड़ी मेहनत की और इस नर्सरी को तैयार किया। हिंडोला खाल के ब्लॉक प्रमुख सूरज पाठक ने बताया कि विकासखंड में नर्सरी के अलावा मशरूम और डेयरी उद्योग भी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए हैं। ये महिलाएं यहाँ पर एक रोजगार का एक जो हमारा एक ब्लॉक में रखा था कि ब्लॉक में रोजगार बढ़ेगा और लोग अपने आत्मनिर्भर होंगे, लोग काम करेंगे। इन महिलाओं ने पौध बोके और
ब्लॉक में जो एक हम जो रोजगार का वो एक माध्यम है उसको ढूंढना है और महिलाएं अपना स्वाभिमानी होंगी और उनका जो रोजगार का तरीका है वो बहुत अच्छा आगे होगा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने लोगों की जीवन शैली को बदल दिया है और आमजन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लॉकडाउन पर्यावरण और प्रकृति के लिए वरदान साबित हुआ है। बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण हिमालय क्षेत्र भी प्रदूषण से अछूते नहीं रहे। यहां की शांत वादियों और शुद्ध आबोहवा को विकास की कीमत चुकानी पड़ी। रुद्रप्रयाग के पर्यावरण प्रेमियों का मानना है कि कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन ने मानवीय गतिविधियों पर अंकुश लगाया है और प्रकृति पर इसका सकारात्मक असर देखा जा रहा है। जो काम 1984 से लेके गंगा एक्शन प्लान से लेके और अभी तक निर्मल गंगा अभियान तक नहीं हो पाए अरबों रुपए खर्च करने के बाद वो एक छोटे से वायरस ने कर दिया। और आपने देखा होगा कि नदियां कितनी निर्मल हो चुकी है। सहारनपुर से हिमालय की पहाड़ियां, गंगोत्री यमुनोत्री की पहाड़ियां दिख रही है, जो कि बहुत असंभव था। इसके पीछे एक ही कारण है कि मानवीय हस्तक्षेप इस दौरान बिल्कुल बंद रहा है। इस बार कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को बहुत सुकून मिला है। यात्रा न होने के कारण कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को, हमारी एक जैव विविधता को कहीं न कहीं बेनिफिट लाभ मिला है। यातायात होने की वजह से लोग पॉलिथीन, कूड़ा करकट अन्यत्र फेंक लेते थे और उससे हमारे पर्यावरण को कहीं न कहीं नुकसान होता था। और नदियां, इस बार हम देख रहे हैं कि नदियां बहुत साफ सुथरी हैं। किराया जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पिछले 7 सालों से भारी भरकम मशीनों के इस्तेमाल ने वहां के तापमान में इजाफा किया। इससे ग्लेशियर प्रभावित हुए और मौसम चक्र में भी बदलाव महसूस हुआ। रुद्रप्रयाग वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी वैभव सिंह का कहना है कि कोविड-19 बीमारी एक सबक है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण में सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जो हमारे पालतू मवेशी हैं और पालतू मवेशियों के माध्यम से मानवों में भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा और आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहूँगा कि जैव विविधता संरक्षण में, जंगली जानवरों के संरक्षण में, वनों के संरक्षण में आप वन विभाग का सहयोग करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए हम बिना जैव विविधता संरक्षण के जो है उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये हम सभी का जो है नैतिक कर्तव्य। लॉकडाउन ने पर्यावरण को रिचार्ज करने का काम किया है। इसका उदाहरण है गंगा और यमुना की निर्मल बहती धाराएं। उत्तरकाशी जिले से गंगा और यमुना नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी इसी जिले में हैं। आस्था का केंद्र होने के कारण हर साल यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे प्रदूषण में भी इजाफा होता है। हालांकि लॉकडाउन ने इस समस्या को काफी हद तक दूर कर दिया है। अब ये नदियां पहाड़ों से लेकर मैदान तक साफ सुथरी नजर आ रही हैं। उत्तरकाशी के केदार घाट के किनारे, गंगा के किनारे खड़े हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उत्तरकाशी के लोग हैं, गंगा के मायके के लोग हैं। गंगा जी का उद्गम उत्तरकाशी में है, यमुना जी का उद्गम उत्तरकाशी में है। तो पिछले 60 दिनों से आप देख रहे हैं लॉकडाउन के चलते गंगा जी बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हुई है, अविरल बह रही है, स्वच्छ बह रही है, पूरा वातावरण शुद्ध हुआ है और गंगा जी भी स्वच्छ हुई है। और गंगा जी नहीं, यमुना जी भी स्वच्छ हुई है और जितने तमाम नदियां हैं दूसरी देश की सब आजकल स्वच्छ हैं और कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्लियर रूप से बह रही है। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक सदैव निर्मल बहती रही है, क्योंकि यहाँ के लोग गंगा मैया को माँ के रूप में पूजते हैं और किसी भी प्रकार की गंदगी को और कूड़े करकट को गंगा में डालने से परहेज करते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि कानपुर में, प्रयाग में जगह जगह गंगा मैया बहुत दूषित हो गई थी, पीने लायक जल नहीं रहा था, लेकिन वर्तमान में लॉकडाउन होने की वजह से गंगा मैया जो है साफ हो गई है। जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, प्रकृति जब समय आता है तो अपने आप कर देती है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या हुई 1341। आज 38 लोगों की सैंपल रिपोर्ट मिली पॉजिटिव। 75 कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए डिस्चार्ज। देहरादून के 50 वार्डों में आज भी चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें रहीं बंद। पौड़ी जिले के विभिन्न शहरों और कस्बों को किया गया सैनिटाइज।
टिहरी जिले के कन्याड़ी ग्राम पंचायत की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान तैयार की नर्सरी। सालों से बंजर पड़ी जमीन को किया हरा भरा। नर्सरी में तैयार किए 5,000 पौधे। और लॉकडाउन ने पर्यावरण को किया रिचार्ज। मानवीय गतिविधियों पर रोक लगने से प्रकृति पर पड़ा सकारात्मक असर। गंगा और यमुना समेत कई नदियां भी निर्मल। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News Uttarakhand, हमारा फेसबुक पेज है DD News Uttarakhand और हमारे यूट्यूब चैनल DD News Uttarakhand को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।